दिल्ली के केशवपुरम में सुखधाम गैस एजेंसी अवैध तरीके से गैस चोरी, हर सिलेंडर से गैस निकालकर फिर सप्लाई कर रही है। इसके लिए सप्लायर से ज्यादा मालिक जिम्मेदार है, क्योंकि मालिक मोटा मुनाफा के चक्कर में सप्लायर से चोरी करवाता है। सूत्रों की माने तो गोदाम के अंदर गोदाम इंचार्ज एवं गोदाम के बाहर सप्लायर द्वारा चोरी की जाती है। इस गैस एजेंसी के पास कई ऐसे मोटरसाइकिल चालक सप्लायर हैं जो 100 से ज्यादा सिलेंडर ब्लैक के रूप में सप्लाई करते हैं। डिलीवरी मैन को पैसा देने के बजाय एजेंसी मालिक हर सिलेंडर से 50 रुपए लेता है, जिसके कारण एजेंसी में चोरी हो रही है। ऐसे गैस एजेंसी पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये काम नहीं रुकेगा। इंजन ऑयल के एरिया ऑफिसर का भी इतना ही हाथ है इसमें। शिकायत होने के बाद भी एरिया ऑफिसर कोई कार्रवाई नहीं करता है, इससे पता चलता है कि इंजन ऑयल के अधिकारी की मिलीभगत कितनी जरूरी है। इंजन ऑयल के अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति करके चले जाते हैं। कई शिकायत की गई जिसमें कहा गया कि क्षेत्र में जो गैस सप्लाई की जाती है सप्लाई होने के बाद जांच होनी चाहिए, लेकिन एरिया ऑफिसर इंजन ऑयल के अधिकारियों को सफाई नहीं करनी है। इसके लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करके चले जाना है, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ बहाना। सुखधाम गैस एजेंसी के नाम बदनाम हो चुका है चोरी के मामले में, और फिर भी इंजन ऑयल के अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, उन्हें दिख नहीं रहा है एजेंसी पर ताला अब तक क्यों नहीं लगा। ताला लगाने की जरूरत है, ऐसे एजेंसी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें इंजन ऑयल के अधिकारी नींद में सो रहे हैं। जनता के विरुद्ध कम होने वाली गैस चोरी बढ़ती ही जा रही है और अधिकारी कान में तेल डालकर सो रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी भारत सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब अधिकारी को सरकार पैसा देती है उसके बाद भी भ्रष्ट अधिकारी क्षेत्र में अपना सिक्का जमा रहे हैं, ऐसे इंडियन ऑयल अधिकारी के खिलाफ भी सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक चोरी नहीं रुकेगी जब तक नेशनल इंडियन न्यूज आवाज उठाता रहेगा। सरकार जागेगी नहीं जब तक अधिकारी जागेंगे नहीं, तब तक आवाज उठती रहेगी, चोरों के खिलाफ आवाज बुलंद रहेगी। आप बताएं जो आजकल घरेलू सिलेंडर आ रहे हैं, बड़ी शिकायतें आ रही हैं, ये काम आ रहा है आपके यहाँ भी ऐसा है? मेरे यहाँ का हर जगह ऐसा ही है। देखो ऐसे ही गरीबी आदमी बेरोजगारी से मारा जा रहा है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है और घर की हालत तो और दिन पे दिन महंगाई के कारण दबती जा रही है। इसका असर सीधे सीधे हमारे घर की महिलाओं पर पड़ता है। सिलेंडर ले लो, आज पूरा सिलेंडर भर के पहले आता था 16 किलो कुछ ग्राम, अब वो सिलेंडर मेरे ख्याल 12 या 13 किलो आता है, क्योंकि 2-4 किलो कम आ रहा है। जिसकी शिकायत सिलेंडर एजेंसी में हमने कई बार करी उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और महंगाई की मार झेलते झेलते अब सिलेंडर भी हमारे को मार रहा है दिन पे दिन, जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बताएं कि जैसे सिलेंडर कम आ रहे तो आपके यहाँ भी आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो बहुत ही कम आ रही है जी गैस पहले से। ऐसा है जी सिलेंडर में गैस आजकल इतनी कम आ रही है कि पहले महीना भर चल जाता था, अब तो 20-25 दिन में बोल जाता है, तो हम किसको गुनहगार ठहराएं। 2-3 बार हमने कंप्लेंट भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती इस विषय में, किसे दोषी ठहराए हम। महंगाई तो जी इतनी हो गई है, बस किसी चीज़ की सीमा नहीं है। गरीबी दावे में अपना रिक्शा चला के टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब क्या करें, गरीब आदमी कैसे ना कैसे रोटी तो खानी है साहब, बगैर रोटी के क्या होगा, भूखे सो नहीं सकते, पेट में 2 रोटी जाएगी जब भी सुबह काम पे जाया जाएगा। किस तरीके से कंप्लेंट आ रही है जो सिलेंडर है कम वेट पे आते हैं? हाँ कम तो आते हैं पहले से, मतलब हम तो चेक नहीं कर सकते ना उसको, वेट भी नहीं हमारा, हमें क्या पता कितने का आ रहा है कैसे आ रहा है। तो अगर हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है उसको ना, वो लेके आते हैं अपने साथ चेक करने के लिए कि भाई कितना वेट है इसका चेक कर लो, लाते हैं तो वो भी सेट होता होगा शायद, वो भी नहीं पता। कोई कोई लेके आता है, बहुत कम लोग होते हैं। पहले 15 kg आता है, अब 14 या 12 में आता है मेरे ख्याल से, 12.2 कुछ इस तरह का लिखा होता है।